अच्छा चटंगी भैया, हाँ टेस्ट की रिपोर्ट आ गई क्या? दीदी कल टेस्ट तो करवा लिया था भैया, डॉक्टर मानने को तैयार ही नहीं कि मैं पेट से, बताओ मैं क्या करूं, कितना समझाया मैंने उसे। हैरान फिर मैंने क्या, मैंने उससे कहा कि भैया हम बच्चे के बाप को साथ में लेके घूम रहे हैं, फिर फटाफट हमने एक्सरे करवाया, बोला एक्सरे मैं कर ले आऊंगा उसकी रिपोर्ट, ऐसा बोला मुझसे वह। अच्छा अच्छा ये सब छोड़ो, अच्छा मैं तो अब बुआ बन जाऊंगी है ना, तो मैं सोच रही थी कि मैं लोटे को भाभी बुलाऊं क्या भैया? सिटानी जी मैं ये कह रहा था, मतलब हम दोनों बच्चे के बाप हैं या ये माँ और मैं बाप? मेरे तो भाग्य फूट गए। अरे ये जी क्या करती है, तू बात बात पे रो पड़ती है, भाग फूट जाते हैं तेरे, तू वो सब छोड़। हाँ चटंगी ना, मतलब मैंने तो बच्चे का नाम ही सोच लिया है। अच्छा यार नाम भी सोच लिया, क्या नाम रखा? खोटे, लोटे का बेटा खोटे ना। ओ भैया मेरे बच्चे कोई खोटे वोटे नहीं कहलाएगा। बात कर रहा है, मेरे बच्चे का नाम होगा सीधा सीधा बड़कू, छटंकी का बेटा बड़कू, ये नाम बहुत बढ़िया। क्यों जी जी हाँ छटंकी भैया, अब देखो मैं बुआ हूँ ना बच्चे की, तो मेरा भी तो कोई हक बनता है, तो नाम तो मैं ही रखूंगी है। हम ऐसा करते हैं, लड़का हुआ तो उसका नाम हम रखेंगे छुआरा। और लड़की हुई तो किशमिश, कितने प्यारे नाम है छटंकी भैया। अरे हेलो भैया, डॉक्टर साहब आ गए भैया, बहुत अच्छे बहुत बढ़िया डांस, वेरी गुड, आइए प्लीज बैठिए बैठिए बैठिए, सिट डाउन प्लीज। यस यस, आपका ही अपना ही घर है, ऐसी कोई बात नहीं। गुड न्यूज। अच्छा डॉक्टर साहब, अच्छा ये बताइए कि लड़का है कि लड़की है? अरे चटंकी भैया कैसे सवाल कर रहे हो, हाँ ऐसा सवाल पूछने से ही आजकल जेल हो जाते हैं, लड़का लड़की के बारे में नहीं पूछते, अब लड़का हो चाहे लड़की स्वस्थ होना चाहिए, है कि नहीं डॉक्टर साहब? आप दोनों का हो गया तो मैं कुछ बोलूं? हाँ। तुम दोनों ना निहायत ही बेवकूफ हो। अरे मैंने कल ही बताया था ना कि ये प्रेग्नेंट नहीं है, और यही बात ये यहाँ देखो रिपोर्ट में भी दिखाई दे रही है, ये देखो। मतलब बड़े वाह यात आदमी हो यार, मतलब पूछ रहे हो? अरे अकल के दुश्मन, ज्यादा खाना खाने से ना तुम्हारे पेट में गैस हो रखी है, इसलिए पेट ऐसे फूल गया है। एक काम करो, ये लो इस गोली को खा लो चुपचाप, और अब से मेरा वक्त बर्बाद करने की कोशिश की ना, मैं बता नहीं सकता कि मैं क्या करूंगा, समझे? मेरे तो भागे फूट गए। वाह, गर्मी का पहला आम जो है कितना मीठा और रसीला होता है। मैंने अपने पापा को देखा चीजा जी का खून करते हुए। आप ना दूर दूर रहना, एकदम दूर रहना, उनको गुस्सा मत दिलाना, ठीक है? बेटा पंचम, इससे पहले सेठ जी की नजर पड़े गुसल खाने में कूद जाओ। अबे अंचन इधर आ। सेठ जी पंचम। अबे हाँ भाई इधर आ। सेठ जी वो हमें गुसल खाने जाना है इस समय, और उसके बाद हमें दुकान खोलनी है जी। अबे इतनी रात को दुकान खोल के क्या करेगा है? चमगादड़ों के लिए क्या लहंगे बेचेगा? बात कर रहे हैं बेकार की, इधर आ। नहीं सेठ जी हम नहीं आ सकते। तू मेरी बात काट रहा है? मैं तुझे बुला रहा हूँ यहाँ, और तू कह रहा है हम नहीं आ सकते। पापा क्या हो गया, आप जीजा जी को डांट क्यों रहे हैं? अरे मैं इधर से बुला रहा हूँ कि इधर आ इधर आ इधर आ, मेरी बात काट रहा है, कह रहा नहीं आऊंगा। अरे नहीं आ रहे तो छोड़ दीजिए ना आप। अच्छा अगर ये ना आ सकता है तो मैं तो जा सकता हूँ उसके पास। अब रुक जा तू, रुक जा तू। नहीं सेठ जी क्या कर रहे हैं आप, आप मत आइए हमारे पास। अरे पापा एक सेकंड, एक सेकंड। सेठ जी हमने आपका नमक खाया, प्लीज सेठ जी ऐसा मत करिए हमारे साथ।
मैं अब कुछ और खाने का वक्त आ गया है। अरे पापा कहाँ जा रहे हो? अरे क्या कर रहे हो यार, सुन तो लो। प्लीज ऐसा मत करिए, प्लीज हमें जाने दीजिए प्लीज सेठ जी। अबे तेरे हिस्से का तुझे मिल गया रहेगा। नहीं सेठ जी, क्या अरे सुनो, क्या कर रहे हैं आप? पापा पापा छोड़ दीजिए जीजा जी को, प्लीज छोड़ दीजिए। पापा सुन रहे हैं ना आप, प्लीज छोड़ दीजिए। अरे तू समझ ना रही है लाइची, अगर मुझे जो ऐसा देना है ना, अगर ना दिया ना तो मेरी आत्मा हमेशा कचोटती रहेगी। अरे मत करिए, सर जी प्लीज, सर जी मत करिए, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं इस गरीब के साथ? हमने क्या बिगाड़ा आपका? अरे तेरी गरीबी नहीं तो बिगाड़ा है। सर जी ये क्या कर रहे हैं? अबे तुझे आम देने के लिए तो बुला रहा था। आप आप हमें आम देना चाहते थे? अच्छा तो क्या अपनी ज्यादा तेरे नाम कर दूं? बातें कर जा बेकार की। अरे आम आदमी जो है आम खाने के लिए इतना परेशान हो रहा है, तो मैंने सोचा चल तुझे आम ही दे दूं। हैं? अच्छा सुन, ये आम जो है तू खुद खा और मैं पंचम को भी जाकर खिला दे, चल। धन्यवाद सेठ जी, आपने हमें अपने आम दिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक गॉड पापा आपने नहीं मारा जीजा जी को। नहीं मारा? अरे कोई डेंगू या मलेरिया का मच्छर थोड़ा ही हो रखा है, मैं मारूंगा। मैंने ना बहुत बुरा सपना देखा था, पता है आपको? बुरा सपना? हाँ मैंने देखा था सपने में कि आप ना जीजा जी के पीछे ना ऐसे ही सेम टू सेम चाकू लेकर ऐसे दौड़ रहे हो, और दौड़ते दौड़ते आपने अचानक से जीजा जी पे चाकू से वार कर दिया है। अरे तेरे सपने जो एकदम फिल्मी हो रहे हैं। अब तेरे बाप ने आज तक एक चींटी ना मारी, जो इंसान क्या मारेगा। एक बार हमने नोटिस किया क्या, मेरे बाकी सपनों की तरह ये सपना सच नहीं हुआ? इसका मतलब हो सकता है कि मेरे आगे के सपने भी सच ना हो तो? इलायची जी, ऐसा ही हो तो ही अच्छी बात है। अच्छा सुन, तू जाके आराम से सो जा, जा। बेटा आराम से सो जा। हाँ चाकू रख दो, चाकू हाँ रख दूंगा, रुक जा। और सुन, तू ऊपर जा और मिसेज पंचम को और खुद आम खिला, चल। आप चाकू हटा दो। मैं हटा दिया, चल। वरमाला डाल। एक मिनट, हमें मतलब हमारे ऊपर ये सब अत्याचार क्यों कर रहे हैं आप? पिंकी जी पूछ रहे हैं। थप्पड़ पड़ेगी अगर ज्यादा टूटा की तो। एक तो तेरा घर बसा रही है, ऊपर से नखरे कर रही है। अरे भाई इसके साथ शादी करने से अच्छा है ट्रक के नीचे आ जाऊं। इतने बुरे भी ना हो रखे पिंकी जी। हाँ 36 गुण निपुण है पूरे पिंकी जी के अंदर, बात करी है। पता है घर के वो काम जानते हैं पिंकी जी जो तेरी दादी तक को नहीं पता। अरे यार इस शादी वाले घर में कुछ रौनक नहीं है, कुछ गाना बिना बजाओ। रेडियो लगा ले, गोली बतला का है, देख जल्दी जा, जल्दी लगा, जल्दी लगा। जी जी जी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ा दे। चुगलखोर रेडियो स्टेशन से बहुत जरूरी सूचना, आगरा के पागल खाने से एक बहुत ही खूंखार पागल भाग गया है और उसे शादी करवाने का बहुत शौक है, क्योंकि उसकी खुद की शादी के दिन उसकी प्रेमिका पंडित के साथ भाग गई थी, इसलिए वो बंदूक की नोक पर लोगों की शादी करवा रहा है, और वो भी ऐसे जोड़ों की जिनकी शादी नहीं होनी चाहिए। हो सकता है वो आपके आसपास ही हो, अगर ऐसा है तो तुरंत चांदनी चौक थाने के इंस्पेक्टर पिंकी और मंगी को सूचित करें। सुन ली मेरी तारीफ, अब लग जाओ काम पे वरना। क्या कौन सा काम? कौन सा काम? फेरे। ओ फेरे, चलो। अरे आ जा, छह हो गए थे ना, छह या सातवां
सौ 99,405 18,70 देखो भैया ऐसा है, सीधी सी बात है, मैं तो कुछ दिनों के लिए निकल रहा हूँ हरिद्वार, क्योंकि जेल से ज्यादा मुझे इलायची के सपनों से डर लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि अभी आएगी वो बोलेगी छटंकी मामा तुम्हें फांसी की सजा मिली है, मैं ना रोक पाऊंगा भैया, ये क्या क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरी समझ में ना आ रहा है कुछ। छटंकी भैया ऐसी अशुभ बातें मत करो ना, मेरे तो भाग ही फूट गए। पता ना आज जो है इलायची का सपना किसके भविष्य का रायता फैलाएगा। सेठ जी क्या है? सेठ जी हम ये कहना चाह रहे थे कि जो भी होगा अच्छा ही होगा इस बार। क्यों तू इलायची के साथ चारपाई लगा के उसके साथ नजारे देख रहा था ऐसे रात को, तुझे कैसे मालूम था बच्चा होगा? नहीं सेठ जी वो सोचिए ना, ये भी तो हो सकता है कि अभी तक जितने भी रायते फैले हैं उनमें से सबसे कम रायते वाला सपना वो अभी देख रही हूँ, हो सकता है सेठ जी। तू क्या रायते की दुकान है जो रायता फैलाने के चक्कर में लगा हुआ है? तूने देखा ना 20 किलो का हाथ इसका झन्नाटेदार मेरे गाल पे पड़ा था, और ये छटंकी अपने बच्चे का जो है सोनोग्राफी करवा के आया है, और वो मंगी और वो साथ में उसका दरोगा पिंकी, दोनों की कैसे जो है शादी की शहनाई बज रही थी। बात कर रहे हैं बेकार की। इलायची जी क्या हुआ, जमावड़ा क्यों लगा हुआ है? अरे बेटा जमावड़ा ना, ये बता कि तूने क्या सपना देखा, मतलब किसकी किस्मत फूट गई? तूने ये देखा कि मैंने एक पीतल का बहुत भारी सा लोटा उठा के करू के सिर पे दे मारा, ये देखा तूने? मेरे तो भाग्य फूट गए। अच्छा तू बता बता क्या देखा है? पापा मैंने मैंने कोई सपना नहीं देखा। हाँ मैंने घोड़े बेच के खर्राटे मार के सो रही थी, बड़ी मीठी नींद आई बड़े समय बाद। मेरे तो भाग ही खुल गए। चलो ये अच्छा हो गया, चटंकी फांसी से बच गए। Very nice, good. चलो इलायची के सपने आने का जो है तूफान रुक गया है ना, इन सब चीजों से हम जो है बच गए। सुन इस खुशी में जो है तू जल्दी से सबके लिए नाश्ता तैयार कर, बता इसके सपनों के चक्कर में मेरी तो भूख प्यास ही मिट गई थी बिल्कुल। अरे इलायची के पापा मुझे तो पहले से ही पता था, इसलिए मैंने सारा नाश्ता तैयार करके रखा है। मेरी बच्ची कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकती है ना बेटा। चलो आ जाओ सब लोग खाने के लिए, आ जाओ आ जाओ। चल हम जा रहे हैं, नाश्ता कर लियो तू हमारे साथ, आ जा आ जा। क्या यार इलायची जी? जीजा जी मैंने झूठ बोला, मुझे सपना आया था। हैं जी? हां जी हमारी शादी का। सच में? सच में लाइफ में टंटे हो रखे हैं, बाय। हाँ टंटे। अरे करू तूने आज थोड़ा नमक कम डाला। अच्छा और लाया तुम? ना 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 ठीक है, ब्लड प्रेशर के लिए कम नमक खाना चाहिए, पता है? बढ़िया। जी। अरे पूरी तो तूने यार कमाल की करारी बनाई है, बहुत मजा आ गया, बेहतरीन दिख रही है। अच्छा खाने से याद आया कि दोपहर के खाने का तेरा क्या प्रोग्राम है, जरा बता अपने भैया को। अरे सर दोपहर का खाना मैं अपने हाथों से बना रहा हूँ, और मैंने एक सांप भी पाल रखा है, उसका जहर डालूंगा उसमें और फिर वो खाना तेरे मुंह में ठोस दूंगा। और मैं साले बता रहा हूँ चप्पल निकाल के बीच रास्ते में दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, सारी भूख निकल जाएगी तेरी। बात कर रहा यहाँ आके बैठ गया,
इलायची के पापा इतना तो खाना बनता है, थोड़ा सा मेरा भाई ठूस लेता है तो तुम्हें क्यों बदहजमी हो जाती है? अरे इसका पेट साथ ना देता है वरना तो ये घर के सारे बर्तन चबा जाए करके। मारूंगा इसके गाल पे। अरे तुम्हारे फूट गए। जी जी, अरे जरा तू हमारे लिए जरा टमाटर की चटनी लेके अपने भैया के लिए फर्स्ट क्लास तरीके से चलने का। अच्छा थैंक यू भैया, अभी लाई चटनी है। अरे शेर जी, अरे दरोगा जी आइए आइए। वाह क्या बात है। इतनी सुबह सुबह दर्शन दे दिए भैया नाश्ते में, क्या हुआ? छड्डो जी ने कहा घर से बाहर निकाल दिया। काश अरे सेठ जी छिड्डो की तो आप बात मत कीजिए, छिड्डो पिंकी जी से बहुत प्यार करती है। खैर सेठ जी ऐसा है कि आज ना पिंकी जी आपके लिए ऐसी खबर लेके आए कि आप सुनोगे ना तो कुर्सी से उछल कर कूद पड़ोगे यूं। हाँ अच्छा, हाँ क्या चटंगी का वारंट लेके आए हैं आप? सेठ जी पिंकी जी क्या बोल रहे हैं कि आप जो पिंकी जी को हमेशा बोलते रहते हो ना कि कोई अच्छा सा रिश्ता लेके आओ इलायची के लिए, पिंकी जी इस बार ऐसा रिश्ता लेके आए ना कमिश्नर के बेटे का रिश्ता लेके आए इलायची के लिए। हाँ कमिश्नर के बेटे का, क्या बात कर रहे हैं? अरे छोटी मोटी जगह तो पिंकी जी हाथ डालते नहीं है सेठ जी, इलायची की ना एक फोटो भेजी थी कमिश्नर साहब के यहाँ रिश्ते के लिए पिंकी जी ने। अच्छा, जैसे ही कमिश्नर साहब के बेटे ने उस फोटो को देखा वो बावला हो गया, बरसाती मोर की तरह गोल गोल घूमने लगा, पागल हो गया वो। अरे तो भाग ही खुल गए। अरे वाह दरोगा जी आपने कमाल कर दिया, मतलब मुझे ना पता था कि आपको मेरी बेटी इलायची की इतनी फिकर है। अरे सेठ जी आपको तो ये भी ना पता है कि पूरा चांदनी चौक उसकी विदाई का इंतजार कर रहा है। नहीं मतलब इंतजार कर रहे हैं कि अच्छी जगह इलायची का रिश्ता और वो जाए अपने घर, मतलब। अरे सेठ जी आपको एक बात है पिंकी जी ने ऐसी तारीफ की, ऐसी बातें बोली है ना इलायची के बारे में, आप सुनोगे ना तो खुद यकीन नहीं होगा आपको कि पिंकी जी इलायची की बात कर रहे हैं किसी और लड़की की बात कर रहे हैं। खैर वो जो कमिश्नर साहब है ना वो लड़की को एक जोड़े में ले जाने के लिए तैयार है। हाँ अरे यह बहुत बढ़िया। अरे दरोगा जी, हाँ जी, मैं ये कह रहा था कि आप जो है कमिश्नर साहब से बात कर लो, देखो ये रिश्ता जो है तय हो जाना चाहिए, हमारी तरफ से एकदम हाँ है। क्या है कि यहाँ अगर रिश्ता तय हो जाएगा इलायची का तो इलायची का जो है मतलब भाग एकदम बदल जाएगा। अरे सेठ जी आप चिंता मत करो, पिंकी जी ना जाते और वो उनके आने का प्रोग्राम फिक्स करके आपको बता देते, ठीक है? मतलब आप बस मिठाइयाँ लेके तैयार बैठना यार, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ, बाद में खा लेंगे पिंकी जी। डाल हट। अरे बेइज्जती कर दी यार। अरे सुन, मैं कह रहा था ये खुशखबरी तो इलायची को भी बतानी चाहिए था। इलायची दिखाई ना दे रही लेकिन होगी, मैं देख के आ रहा हूँ। जीजा जी छत पर है? जी इलायची जी, जीजा जी छत पर हैं और इस समय व्यायाम कर रहे हैं। हाय, काश मैं ये ईंट होती जिसे अपने प्यार से आपने यूं उठा रखा है। जी ये क्या बोल रही हैं आप? हाँ जी जी, आपको पता है, एक बार इधर देखो, पहले इधर देखो, ये देखो मेरी फिगर, देखो सही से देखो, ये जो हल्की फुल्की फिगर मेंटेन की है ना मैंने, उसमें बहुत मेहनत लगती है। कितनी बार गोलगप्पे की प्लेट को मतलब बाय बाय बोलना पड़ा है मुझे, और आलू के पराठे, कितनी बार आलू के पराठे मतलब ऐसे सूंघ के ना छोड़ दिए मैंने, और सफेद मक्खन खाया तो मतलब अड़सा ही हो गया, पता है क्यों? जी इलायची जी, हम जरूर जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा त्याग क्यों किया है? ताकि आप मुझे एक दिन गोदी में उठा सके। देखिए इलायची जी, आप फिर से कोई नया टंटा लाई, ये क्या बोल रही हैं आप? अरे देखा नहीं है कैसे हीरो हीरोइन को ना फिल्म में ऐसे मतलब गोदी में उठा के ना ऐसे दौड़ता चला जाता है खेतों में, और उसके बाद? नहीं बस, हमें उसके बाद जाने की कोई इच्छा नहीं है क्योंकि पहले वाला ही इतना खतरनाक है। जीजा जी तो मुझे भी बताने की इच्छा नहीं है, मैं तो सिर्फ चाहती हूँ कि आप मुझे गोदी में उठा लो। उठाओ ना। क्या कर रही हैं आप? खुली छत है इलायची जी, और अगर गलती से भी सेठ जी ने देख लिया ना तो सीधा गोदी से उतार के ना सीधा हमारी गुद्दी पे वार करेंगे वो। कितने
डरपोक किस्म के आदमी हो? हाँ हम हैं डरपोक। अरे काम करो फिर, थोड़ी हिम्मत तो मुझसे उधार ले लो। अरे यार यहाँ पे ये इतना प्यारा सा तरबूज बोल रहा है कि मुझे काटो मुझे काटो, लेकिन ये जो चाकू है ना वो मतलब नखरे दिखाई चला रहा है, काट लो ना। देखिए लाइजी जी, हमें कोई काटना वाटना नहीं है, आप समझ नहीं रहे, आप ना इस तरबूज को ना घर और नौकरी दोनों से बाहर निकलवा देंगे। समझ गए, क्योंकि जो आपकी डोले शोले ना सब नकली है, आपसे तो कुछ होता ही नहीं ना, आपको तो डर लग रहा है कि आपने मुझे यहाँ गोदी में उठाया तो आपकी कमर में ना लचक आ जाएगी, है ना? ऐसे ही है ना, कोई बात नहीं, जाओ जाओ जाओ। अच्छा, छोड़ा आपको। नहीं, नहीं, कोई बात नहीं, नहीं। अच्छा आपको ये लग रहा है कि अगर हम आपको गोदी में उठाएंगे तो हमारी कमर में लचक आ जाएगी? हाँ। अच्छा ये लगता है आपको? हाँ। दोबारा ऐसी बात मत बोलना एलाइसी जी। ओके जीजा जी। क्या करो जीजा जी? गोदी में उठा ना। Elaichi'S!